प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। जनपद जालौन के कैथेरी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड की तकदीर बदल रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये भी कहा कि बुंदेलखंड में कई ऐतिहासिक महत्व के किले और धरोहरें हैं जिन्हें संजोने की आवश्यकता है। हिस्टोरिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कदम बढ़ाने को कहा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेस वे यहां सिर्फ भाई जरा सा वाहन तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहाँ की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। अब दूसरी हालत थी, हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ उससे ज्यादा काम आज हो रहा है।